आज पूरा मुल्क चिंतित है क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में है। ये प्रोग्राम जो चलाया गया है स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी, इसके मायने हैं, इसका अपना संदेश है, उसको समझना पड़ेगा। एक तरफ आम जनता को भी और दूसरी तरफ जो हुकूमत में उनको समझना पड़ेगा। आज़ादी मिली हमें, बहुत कीमत चुकानी पड़ी महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर। त्याग बलिदान कुर्बानी हुई थी, जेलों बंद रहे थे पंडित नेहरू, 10-10 साल बंद रहे थे, सरदार पटेल, अबू कलाम आजाद साहब, अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस कीमती आज़ादी की रक्षा की गई। आज़ादी के बाद में भी पाकिस्तान की तरह यहाँ पर बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ था। यहाँ पर 70 साल तक सरकारें बदली, इंदिरा जी, राजीव जी, वाजपेयी जी, कई प्राइम मिनिस्टर आए, कई चले गए, परंतु लोकतंत्र को मजबूत किया सब ने। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है वो चिंताजनक है। किस प्रकार से सरकारें गिराई जा रही है, कर्नाटका की, महाराष्ट्र में क्या हुआ तमाशा सबको मालूम है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ सबको मालूम है, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार मांग रही है विधानसभा में जाने के लिए परमिशन राज्यपाल महोदय से, सत्ताधारी पार्टी हमेशा रिलेक्टेंट रहती है, विपक्ष मांग करता है या हम मांग कर रहे हैं, अभी तक उसका जवाब नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय राज्यपाल बहुत ही पुराने राजनीति के भी हैं, मिलनसार है, व्यवहार कुशल है और उनके पद की बहुत बड़ी गरिमा है, संवैधानिक पद है। वो जल्दी शीघ्र ही हमें आदेश देंगे, हम असेंबली बुलाएंगे। कोरोना के ऊपर वो खुद चिंतित थे राज्यपाल महोदय, उस पर चर्चा करेंगे। कल उनका स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के जो उनका संदेश आया उससे हमें बहुत अच्छा लगा। राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं कोरोना की लड़ाई को लेके मैनेजमेंट किया, उसकी तारीफ की उन्होंने, पूरे देश में दुनिया के अंदर उसकी तारीफ हो रही है। लॉकडाउन के कारण से जो आर्थिक स्थिति बर्बाद हो चुकी है उस पर चर्चा करेंगे असेंबली के अंदर, राजनीतिक चर्चाएं करेंगे, जो हाउस की राय होगी सबकी, पक्ष विपक्ष की, उसके आधार पर। आज वक्त है सबको, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर के आम जनता का सहयोग लेकर के हमें कोरोना की जंग को जीतना है, जीवन बचाना है। हम सबका कर्तव्य है कि हम कैसे एक एक व्यक्ति का जीवन बचाएं। आज संख्या बढ़ती जा रही है पूरे मुल्क के अंदर, प्रदेश के अंदर, चिंता का विषय बना हुआ है, कैसे उनको रोका जाए, किस प्रकार जिस प्रकार की व्यवस्था की गई उसको और मजबूत किया जाए, उसके ऊपर हम सब चिंतन करें, मनन करें। प्रधानमंत्री जी ने वीसी की थी, हमने खुल के विचार दिए थे, हमारे अपने एक माहौल बना देश के अंदर, केंद्रीय राज्य सरकारें मिलकर के काम कर रही है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे दुख होता है कि कोरोना के जंग के अंदर भी, कोरोना महामारी भयंकर महामारी है, क्या रूप लेगी कोई नहीं कह सकता आने वाले वक्त के अंदर, उसके दरमियान में आप अगर बजाय इसके कि सब मिलके इसका मुकाबला करें, पक्ष विपक्ष को साथ लें, सत्ता पक्ष जैसे मैंने लिया यहाँ पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, तमाम धर्मगुरुओं को, तमाम एक्टिविस्ट को, तमाम डॉक्टर्स को साथ लेके चल रहा हूँ मैं, और मुझे कोई शिकायत नहीं है ना पक्ष ना विपक्ष से, सब ने मिलकर के मुकाबला किया है। और इसी कारण तारीफ हुई पूरे देश में, दुनिया के अंदर राजस्थान की। तो मेरी समझ के परे कि भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है, ऐसे वक्त में भी आप राजनीतिक गतिविधियां ऐसी करो जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो। आपने सरकार गिरा दी कर्नाटका की, कोरोना प्रारंभ हो चुका था तभी परवाह नहीं करी आपने,
पूरा समय लगाया, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के अंदर उसमें आप कामयाब हो गए। कोरोना अभी खत्म ही नहीं हुआ है, बढ़ रहा है। राजस्थान की तरफ आपने रुख कर लिया, हो क्या रहा देश के अंदर? पूरा देश चिंतित है, प्रदेश चिंतित है, विचलित है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को समझेंगे। आजादी के बाद में 70 साल तक इंदिरा गांधी की जान चली गई, तो शहीद हो गए देश के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। राजीव गांधी शहीद हो गए, कितने लोग कुर्बान हुए पंजाब के अंदर, आतंकवादी के शिकार हो गए। सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, आतंकवाद को देश नाबूद कर दिया। उस सोच के साथ में 70 साल निकाले देश ने, और इसीलिए आज देश एकजुट है, एक है, अखंड है, और लोकतंत्र मजबूत हुआ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए हैं, ये समझना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, पाकिस्तान के हालात होते, तो शायद नरेंद्र मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते। उनको सोचना पड़ेगा, उनकी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि चुनी सरकारों को गिराने का इरादा छोड़े, तब जाके लोकतंत्र मजबूत होगा। आने वाला इतिहास वरना माफ नहीं करेगा किसी को भी, जो गलती करेगा उसको गलती कीमत चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद।